हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं एमसिस्टैन से। तो एमसिस्टैन का भी एक आर्टिकल देखने को मिला है जिसमें वो अपनी महफिल एल्बम के बारे में बात करता है। दिस ईयर इज सेट टू बी फुल ऑफ बिग मूव्स फॉर स्टैन। ही जस्ट फीचर्ड ऑन बादशाह ड्रिंक्स ऑन मी, हिज मोस्ट हाई प्रोफाइल कोलैबोरेशन येट। बादशाह इज सेट टू रिटर्न द फेवर ऑन महफिल, एमसिस्टैन्स अपकमिंग थर्ड एल्बम ड्यू टू सम टाइम्स आफ्टर रमजान एंड्स। बहुत कड़क, इट्स गोना बी सम हार्ड शिट, ही सेज ऑफ द कोलैब। ही हिंट्स एट प्लेंटी ऑफ अदर बिग नेम्स फीचर ऑन द रिकॉर्ड। इन द हुड व्हेन ऑल द होमीज हैंग आउट एट वन स्पॉट ऑन द रोड शूटिंग शिट and solving any problems we have with each other, that's called mehfil, he says. Thug life, hip hop, gang gang, vimal, vada pav, ops, bhabi's number, you all get everything in Stan's mehfil. Like many rappers before him, Stan's dream go beyond just music. He wants to start his own record label called Hindi Records, and there's at least two other business ventures that he plans to launch this year. Eventually, he wants to be the Indian Jay-Z, not just a rapper but a pop culture icon and a business mogul. He's already good on the first two fronts. He wouldn't bet against a clean sweep. तब बात कर लेते मिक्स विथ वासुदेव और मुंह फाड़ के बारे में। ये गौरव है या मुंह फाड़, वासुदेव लगता है। मिक्स विथ वासुदेव भाई, ये स्टोरी मुंह फाड़ ने डाली है, कॉल पे गौरव था। तो अब बात कर लेते प्रदीप के बारे में। तो अभी रील्स पे किशोर कुमार का एक ट्रैक काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो रैप करते हुए दिखा है। 1956 का ये ट्रैक है। तो प्रदीप इस पर रिएक्ट करते हैं, वे बेटर देन एड एजेंसीज स्लैश मार्केटिंग हेड फोर्सिंग देयर आइडियाज एंड मेकिंग शिट। इन माय एक्सपीरियंस मार्केटिंग टीम इन अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो विद आर्टिस्ट विल ऑलवेज ब्रिंग आउट टैकी म्यूजिक। इफ माय ओपिनियन हर्ट्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, फिक्स इट। तो बात कर लेते करण औजला के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये नास के साथ दिखे थे, तो अभी कुछ पिक्चर्स भी देखने को मिली है करण औजला की तरफ से नास के साथ ही। तो अब बात कर लेते बादशाह के बारे में। तो बादशाह का सोलमेट ट्रैक अभी काफी वायरल हो रहा है। जी हाँ, ये वही ट्रैक है जो अरिजीत सिंह के साथ में। तो इस पे अभी 38,000 से ज्यादा रील्स बन चुकी है। तो बादशाह की बात हो ही रही है, तो फिंग ने एक था राजा एल्बम का रिव्यू दिया अभी। तो उनका कुछ ऐसा कहना था, कभी नहीं सोचा था कि डिवाइन, अरिजीत सिंह, एमसी स्टैन, तो भी बाकी और आर्टिस्ट है कि मेरे को उन सारे फीचर से बढ़िया नौरा फतेही का फीचर लगे। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था, सही में। पूरी एल्बम में से सिर्फ तीन गाने ऐसे हैं जो मैं सुनूंगा, सिर्फ तीन गाने। एक तो डाकू है, लेकिन भाई जो वो गाना है करण औजला और बादशाह वाला, भाई इट्स सो, ओ माय गॉड, इट्स सो गुड। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, इट्स सो गुड। गॉड डैम है गाने का नाम, पहला गाना है वो एल्बम का, इट्स सो गुड। मैंने एल्बम ना पूरी गाड़ी में सुनी थी, मैंने बिना म्यूजिक वीडियो के सुना था, मैंने गाड़ी में चलाई एल्बम और पहला गाना भाई स्लैप कर रहा था ना सीधा। आई वाज सो हैप्पी कि भाई इन दोनों ने मिलके गाना बनाया और वो पहला गाना था एल्बम का। गॉड डैम मेरे को बहुत अच्छा लगा, फाइनेस्ट ट्रैक है वो पूरी एल्बम का। उसके बाद आगे चलते चलते धीरे धीरे आए हैं बाकी गाने, एक इक्का डीनो जेम्स और बादशाह वाला भी है, वो जब मैं सैड होगा मैं तब सुन लूंगा। लेकिन सेकंड सॉन्ग जिस पे मैं आई वाज लाइक भाई फक यह, वो नौरा फतेही वाला था, नौरा फतेही और बादशाह वाला, बॉडी ऑन मी है शायद नाम उसका, वो था भाई, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई नो वो सेम सैंपल है जो, मतलब कौन सा गाना है यार, एक कोई तो पुराना गाना है, ठीक है, वो सेम सैंपल यूज करा हुआ है, बहुत नोन सैंपल है वो, बट भाई कान फाड़ गाना था, ठीक है। लेकिन जो बाकी एल्बम थी, आई वाज लाइक यार बाकी एल्बम में मेरे को इतना मजा नहीं आया पर्सनली, ठीक है, मैं पर्सनली मेरा मजा नहीं आया। I mean, it's all right, like... मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है, रफ्तार वाले से ट्रैक से, बट 47 वाले से काफी एक्सपेक्टेशंस थी, नहीं बनी बात। तभी तो मैं सरप्राइज था कि भाई नौरा फतेही वाला क्रेजी भाई, वो गाना बहुत अच्छा। इसके अलावा ऋषि रॉय ने अपनी एक ईपी अनाउंस करी है वुल्फ टेल्स, जिसमें है तीन ट्रैक्स। एग्जी ने अपने मेडूसा जो ट्रैक उनका वायरल हो रहा है रील्स पे, उसका एक रिमिक्स चैलेंज लॉन्च किया है। तो जो भी भाई इस पे अपना वर्स स्पिट करना चाहता है तो स्पिट करो और रील्स पे अपलोड कर दो। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।